कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ झटपट बनने वाला कम मसाले का पुलाव। एकदम मजेदार बनता है पुलाव ये, ठीक है। और बहुत कम मसाले जाते हैं, जो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या मसाले लगते हैं। ये पहले तो नमक लिए मैंने, नमक मैंने मेरे हिसाब से 2 चम्मच फुल लियो, और ये 1 चम्मच सफेद जीरा लियो, और ये मेरे पास ना तेज पत्ता है 5, और ये थोड़ी सी दालचीनी है 2 इंच तक टुकड़ा ली थी 1 इंच का, इसमें बारीक बारीक टुकड़े करी, और ये 8 से 10 काली मिरी लियो, और ये उतने ही 8 से 10 लौंग, और ये 2 चक्री फूल जो इसे अच्छे खुशबू के लिए, ठीक है। और ये जावित्री थोड़ी सी, आधा फूल, ठीक है। और ये 4 बड़ी इलायची, और ये 8 हरी इलायची, और ये थोड़ा सा ये काला फूल, ठीक है। और ये अभी मैं यहाँ रखती हूँ। और ये मेरा अदरक लहसुन है, अदरक लहसुन ये मेरा 1/6 चम्मच है, ठीक है। इसमें थोड़ा अदरक लहसुन ज़्यादा जाता है। अब ये दही है, दही मेरा खट्टा है और थोड़ा गाढ़ा है, इसलिए मैं कम डाल रही हूँ। अगर आपका खट्टा नहीं है तो आप ज़्यादा डाल दो, 1/4 किलो पूरा जाएगा, ठीक है। ये मेरा 150 ग्राम दही है, और ये थोड़ा सा पुदीना है, ये 8 से 10 हरी मिर्च, 3 टमाटर हैं, और ये हरा धनिया, और ये 2 प्याज मैंने बड़े बड़े लेके इसको फ्राई करके ली थी, ठीक है। 1 किलो का ये सब मसाला है। अगर आप आधा किलो का बना रहे हैं तो क्वांटिटी आधी कर दो इसकी, ठीक है। अभी मैं क्या करती हूँ, ये जो मैंने 1 किलो चिकन लियो, 1 किलो चावल को 1 किलो ही चिकन लगेगा, ठीक है। ये कैसा भी एकदम अच्छा बनता है, ये पुलाव बहुत मजे का बनता है। बच्चे लोग की छुट्टियां भी चल रही, घूमने भी जाने का ये लेके भी जाएंगे ना भर के। देखो ये मैंने आधा लहसुन अदरक लहसुन अभी लगा रही, ठीक है। ये थोड़ी सी प्याज, थोड़ी सी जाएगी, ज्यादा नहीं डालूंगी, बाकी की उधर डालूंगी, ठीक है। ये थोड़ा सा पुदीना डालूंगी, और ये थोड़ी से हरी मिर्च, और ये कड़ी पत्ता, थोड़ा सा बघार में भी डाल देने का, लेकिन मैं थोड़ा इसमें भी थोड़ा लगाएंगी ना, अच्छा रहता है। ये देखो ये दही, इसको ही लगाऊंगी पूरा मैं, दही नहीं है ऊपर से डाल, मेरा दही बहुत गाढ़ा है इसलिए मैंने कम ली। मैं अभी बता रही हूँ दही और नमक मिर्च अपने हिसाब से लो आप। ये आधा नमक मैं अभी डाल रही हूँ, आधा मैं बाद में डालूंगी, ठीक है। नमक मैंने मेरे हिसाब से लो, 1 किलो में मैं जितना लगाती हूँ ना उतना लूँ, ठीक है। अभी इसको मैं अच्छे से मिक्स करके ली थी। देखो मैंने इसको दही और मसाला जो भी ली थी ना, ये सब लगा के इसको रख दी। अभी इसको ढक के, अगर आपके पास जैसे सुबह में बना रही ना, तो इसको ऐसे रात में भी लगा के रख सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो फिर ऐसा सुबह में भी लगा के रात में बना सकते हैं इसको। नहीं अगर टाइम है मेरे जैसा, कम टाइम है, तो फिर जल्दी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने ना तेल रखी, तेल मैंने 100 ग्राम इतना तेल लियो, और थोड़ा घी ली, घी भी मैंने 25-20 ग्राम इतना घी ली, ठीक है। और ये जो खड़ा गरम मसाला है ये सब डालूंगी मैं, ठीक है। अब इसी के साथ ये अदरक लहसुन भी डालूंगी। पूरा अदरक लहसुन पुलाव बहुत मजे का बनता है। अगर आपकी प्याज तली हुई नहीं है ना, जैसे मैं गरम मसाला डाली थी, उससे पहले आप प्याज को फ्राई करके निकाल सकते हैं थोड़ा सा, और बाकी का इसमें ही रख सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास पहले ही फ्राई करके मैं रखती हूँ, इसके लिए मेरे पास है, इसलिए मैं डाल रही हूँ। अगर आप नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं। ये मैं थोड़ी सी बचाऊंगी गार्निशन के लिए, ठीक है, बाकी की डाल दूँ। इसको थोड़ा भून के लेती हूँ, थोड़ा अदरक लहसुन मेरा नरम है, तक अच्छा भुनेगा। मैंने अदरक लहसुन ये डाली थी ना, अच्छे से भुनेगा ये। अब ये जो मैंने चिकन रखी हूँ ना लगा के, देखो ये पूरा ये चिकन डाल देती हूँ। आप चाहो ना, अगर आपकी हरी मिर्ची नहीं डालना है तो आप ना पीस के भी डाल सकते हो। अब मिर्ची का क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रखने का, अपने आपके घर में जितनी खाते हैं, कितनी खाती कम ज्यादा, उस हिसाब से आप रख सकते हैं। अब मैंने जो जीरा ली थी ना, जीरा भी डाल दी मैंने, आपको दिखा नहीं पाई, सॉरी, वो जीरा भी मैंने पूरा डाल दिया, ठीक है। 1 चम्मच जो जीरा दिखाई थी मैंने आपको,
और इसमें मैंने आपको ये सौंफ का पाउडर नहीं दिखाई थी, एक चम्मच सौंफ का पाउडर भी लेने का, हरी सौंफ का। इसको अच्छे से भून लेते हैं। देखो इसको मैंने थोड़ा सा भून के लिए, इतना भूनिए मानो जैसा ये जो चिकन हमने जो डाले थे ना वो खाली सफेद सफेद हो जाए। अब ये जो टमाटर और ये कड़ी पत्ता थोड़ा बचाई थी ना, मिर्ची वन, ये भी डाल देने का, ठीक है। अभी ये जो हरा धनिया है ये भी डाल देती हूँ, ये आधा हरा धनिया आप अपने हिसाब से डालो। ये हरा धनिया मेरे को जरा पसंद है पुलाव में, इसलिए मैं डालती हूँ, ठीक है। और इस सौंफ का पाउडर ये भी बहुत अच्छा लगता है इसमें, ये भी डाल। अभी इसको टमाटर को इसको गलाने का नहीं, बस खाली 2 मिनट और इसे भून के लेती हूँ मैं, बस खाली इस तरह से घुमा के लेती हूँ ताकि एक जान हो जाए और थोड़ा सा इसमें भाप आ जाए। देखो इसमें उबाल आया अच्छे से, ठीक है। अभी मैं पानी डालती हूँ, अब अपने चावल के हिसाब से पानी डालो इसमें, आपके चावल में कितना पानी लगता है उस हिसाब से आप पानी डालो, ठीक है। अभी मेरा 1 किलो चावल है तो मेरा ऐसा 3 लोटा पानी जाएगा। अभी चावल को अच्छा उबाल आए तक मैं ये पानी इसमें, पानी में अच्छा उबाल आए तक छोड़ देती हूँ मैं, ठीक है, फिर आपको दिखा। देखो पानी में अच्छा उबाल आ गया है माशाल्लाह से, ठीक है। अभी ये जो मैंने 1 किलो चावल लिया, ये मैंने कोलम चावल है मेरे, ठीक है, आप चाहो तो बासमती भी ले सकते हैं। ये मैं धो के भिगा दी थी इसको आधा घंटा, ठीक है। आप अपने हिसाब से जो आपको चावल पसंद है वो हिसाब से चावल ले सकते हैं, पानी भी वो चावल क्वांटिटी के हिसाब से डालो। अभी कॉलम के हिसाब से मैंने पानी डाली, ठीक है। अरे ये मैंने मसाला बनाई, ये मैंने पुलाव बनाई हूँ ना, 1 किलो का बनाई हूँ, मैंने मसाले भी इसमें 1 किलो की बताई हूँ आपको, ठीक है। अभी भी बोल रही हूँ अगर आप कम या ज्यादा कर रहे हैं तो मसाले की क्वांटिटी भी कम ज्यादा कर सकते, ठीक है। देखो ये पूरे मैंने चावल अच्छे से डाल दिए। अभी कैसा गर्मी बहुत है, गर्मी में जैसा अभी ज्यादा टाइम अपन खड़े रह सकते हैं, किचन में भी बहुत गर्मी होती है, तो इसके लिए झटपट, बच्चे लोग भी घर में रहते हैं, एक अच्छी भी बनती डिश और झटपट भी बनती। ये नींबू का रस है, ये 2 नींबू का रस है मेरा, छोटा छोटा था इसलिए 2, ठीक है। आप चावल तो डालो ना तो मत डालो, थोड़ा डालेंगे तो थोड़ा चटपटा अच्छा लगता, ठीक है। अभी मैं ये चावल जरा उबाला तो बताती हूँ आपको, पानी का लगभग पानी पूरा सूख गया है, दम को आई चावल। अभी जो मैंने हरा धनिया बचाई थी ना पहले आपको दिखाई थी, ये थोड़ा अभी डाल देती, ये थोड़ा मेरे को ज्यादा पसंद है इसलिए मैं डाल रही हूँ। अगर आपको पसंद है तो आप डालो, नहीं पसंद है तो मत डालो, ठीक है। अभी देखो चावल मेरे खाली 1 कनी पे है, पूरा पक गए मेरे चावल, ठीक है। एक तरह से इसको व्हाइट पुलाव भी बोला जाता है। अब इसको अच्छे से कपड़ा लगा के बारीक गैस पे, मैं नीचे तवा ऑन नहीं रखूंगी, ठीक है, ऐसे ही दम दे दूंगी इसको, अच्छा तवा रख के इसको दम दे दूंगी मैं कपड़ा लगा। पुलाव मेरा दम हो चुका है, इसको 10 मिनट लगे दम होने के लिए, ठीक है। देखो माशाल्लाह अच्छे से दम हो गया, ठीक है। अभी इसको मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये आज मैं बनाई हूँ झटपट बनने वाला पुलाव, अगर ये आपको पसंद आ रहा होगा तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपनी फैमिली और दोस्तों में भी शेयर करो, और आपको कोई नई डिश चाहिए तो मुझे कमेंट करो, इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊँगी, ठीक है। फिर मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।